सिवान जिले में 36 परीक्षा केंद्र पर 1 फरवरी से होने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है। वहीं 25 परीक्षार्थी पर 1 वीक्षक के अनुपात में प्रतिनियुक्ति होगी। वहीं जिले में 49,867 परीक्षार्थी इंटर परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें साइंस में 23,382 व आर्ट्स में 22,979 व कॉमर्स में 3,504 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं महाराजगंज में 2 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जो SB हाई स्कूल व उमा शंकर प्रसाद हाई स्कूल को बनाया गया है। महाराजगंज के 7 परीक्षा केंद्र पर 10,110 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे दोनों पालियों में। इसी क्रम में एक ताज़ा मामला आया है। SKG हाई स्कूल में इस स्कूल के 2 परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड पर सिर्फ 2 विषय का ही नाम अंकित है, जिससे कि छात्र काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। बहरहाल किसी तरह स्कूल प्रशासन इस गलती को सुधरवाने का आश्वासन देकर मामला को शांत कराया है। और आखिरी में SKJR हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट वीडियो में। आपके स्कूल के स्टैंड अप विद्यार्थी 2 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एडमिट कार्ड पर सिर्फ 2 ही विषय है, अनिवार्य विषय, और बाकी नहीं है। विद्यार्थी बहुत परेशान हैं, उसके लिए स्कूल प्रशासन क्या कर रही है? स्कूल प्रशासन प्रयासरत है। वो हमारे रेगुलर विद्यार्थी नहीं हैं, इम्प्रूवमेंट के विद्यार्थी। तो गार्जियन का आरोप है कि विद्यार्थियों का भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रिंसिपल सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बातें निराधार हैं, हम उसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। तो क्या अगर ये अप्रूवल नहीं हो पाती है तो विद्यार्थी का भविष्य के तो खिलवाड़ नहीं होगा? परीक्षा में तो 2 ही विषय की एग्जाम दे पाएंगे, उसके बाद और नहीं विषय का नहीं दे पाएंगे वो। देखिए, ये बोर्ड के मैंने अधिकार की बात है, ये हमारे अधिकार से बाहर की बात है। हम बोर्ड चाहेगा तभी ना होगा, बोर्ड के ऊपर की बात है। आप आके स्कूल में हंगामा कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है कि स्कूल में आप आए? हालांकि मेरा लड़का फॉर्म भरा था 2021 में इंटर का एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें टोटल विषय का वो एग्ज़ाम देने के लिए भरा था, लेकिन 2 ही विषय का उसमें आया है, सिर्फ अनिवार्य विषय के लिए। एडमिट कार्ड उसका गड़बड़ आ गया है। हम विद्यालय में आए सुधार कराने के लिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये बोर्ड की गलती है। तो बताइए, बोर्ड की गलती है तो विद्यालय सुधार कराएगा या गार्जियन से जाएगा? विद्यालय संतुष्ट प्रद जवाब नहीं दे रहा है अभिभावक को, इसलिए हम आकर के विद्यालय में गुहार लगा रहे हैं। ये लोग हमको कह रहे हैं उल्टा सीधा बात बता करके और हमको हटा दे रहे हैं। तो क्या आप प्रिंसिपल साहब से नहीं भेंट किए थे? भेंट किए थे, तो वो लोग कर प्रिंसिपल साहब बोले हैं बोल करके और बाहर चले गए हैं, पता नहीं कहाँ गए, हम ये चीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन वो बोल करके निकल गए कि यह बोर्ड की गलती है, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन बताइए, 1 तारीख से एग्ज़ाम है और आज 28 तारीख हो गया है। और एक आप आए हैं स्कूल में, कि क्या प्रॉब्लम है, समस्या लेकर आए हुए हैं? बच्चा का लाइफ का सवाल है, उसी से आए हैं प्रॉब्लम के लिए। पहले तो आए तो 4 टीचर हैं, 16 टीचर हैं स्कूल में, अभी 4 उपस्थित 5 उपस्थित हैं इसमें। आखिर गए तो कहाँ गए? 5 मैम हैं, 6 मैम हैं लोग, क्या मैम लोग भी ब्रेंच लाने गए हैं? सर गए थे ब्रेंच लाने के लिए, हैं कौन सुबह देखेगा? ये बोल रहे हैं कि नहीं होगा, अगले साल देगा एग्ज़ाम। आखिर एक साल बर्बाद होगा ना उसका लाइफ, इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या आपने अपने बड़े प्रिंसिपल से मिले? प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल सर गए हैं क्या? तो DM सर के पास गए हैं, मीटिंग में गए हैं क्या? कोई इसका लीवर नहीं किया उनका? तो क्या इस समस्या को आपने बड़े पदाधिकारी, शिक्षा बड़े पदाधिकारी साहब ने कंसल्ट की? जी मैंने बोला है तो बोला है, बात हो रहा है, बात हो रही है उनसे, अभी कब तक बात करेंगे वो, 2-3 दिन एग्जाम को बच गया है। अभी स्कूल में आए हुए हैं आप, बिहार इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड उठाए, आखिर क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम यही है कि हम जो फॉर्म भरे थे उसमें सब एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे थे सब सब्जेक्ट का, और मेरा एडमिट कार्ड भी 2 ही सब्जेक्ट आया है। तो क्या आप मास्टर से मिले थे स्कूल के प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा आपको? हम सब सर को दिखाए हैं, सब टीचर को दिखाए हैं, लेकिन अब 4 दिन पहले दिखाए थे, अभी तक कोई मतलब, तो मैंने कोई भी मतलब क्या करें लोग, एग्जाम आप बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, लोग क्या बोले लो इस विषय में? इस बारे में कुछ कोई नहीं बता रहा है हमको, हम 4 दिन से स्कूल में आ रहे हैं।